जीडीसीए उपाध्यक्ष महान आर्यमन सिंधिया की मेहनत रंग लाई है। 40 दिन बाद ही महान आर्यमन सिंधिया की मेहनत रंग लाई। ग्वालियर में 6 अक्टूबर को पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। दरअसल ग्वालियर में 14 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय मैच होने जा रहा है। बीसीसीआई द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इस नोटिफिकेशन में इंडिया बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाला आगामी 6 अक्टूबर का मैच, जो पहले धर्मशाला में होने वाला था, लेकिन अब ये मैच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम श्रीमंत माधव राव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में होगा। महान आर्यमन सिंधिया ने कहा कि ये सभी के मेहनत का नतीजा है। पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया और जय शाह का धन्यवाद किया। आपके सामने इसका नतीजा है तो मैं बहुत खुश हूँ कि अब अक्टूबर 6 पे इंडिया बांग्लादेश का मैच ग्वालियर के नए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होने जा रहा है। और ये सपना और ये मांग जो जनता की भी थी, ये उनके बिना नहीं हो पाता। तो सबसे पहले मैं जनता को, हमारी ग्वालियर और मध्य प्रदेश की जनता जो है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरीके के साथ उन्होंने MPL की सहायता दी, जिस तरीके के साथ वो बाहर आके पूरे देश को देखने का मौका मिला, जिस तरीके के साथ मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश का जो रिश्ता है क्रिकेट के साथ, वो कितना गहरा है, और उसी का नतीजा है इंडिया बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होने जा रही है। मैं GDCA और NPCA के जो मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा।